उदाहरण चार, यदि किरण BD कोण ABC का समद्विभाजक है तथा भुजा AB सर्वांग सम है भुजा BC, तो भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता की सहायता से सिद्ध करें कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CBD। प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने उदाहरण चार है और चलिए हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। हमें कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं। एक आप देख रहे हैं चतुर्भुज की आकृति है जिसमें BD एक किरण के रूप में दिखाई पड़ रही है। इसमें जो सूचनाएं हमें दी गई हैं वो ये हैं कि BD किरण कोण ABC को समद्विभाजित करती है, यानी B पर ये जो दो कोण दिखाई पड़ रहे हैं आपको वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो एक जानकारी तो हमें दी हुई है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण ABD बराबर कोण CBD, एक सूचना हमें दी हुई है। और दूसरी चीज़ दी हुई है कि BA और BC बराबर है, ये भुजा BA और BC आपस में बराबर है, ये दो बातें हमें दी हुई हैं। और इसके आधार पर हमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि इस किरण को खींचने से जो दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ये हमें प्रूफ करना है, प्रमाणित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो जानकारियां हमारे पास हैं उनको हम पहले लिख लें कि त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD में हम बात करने जा रहे हैं, तो इसे ऐसे लिखें, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD में आप क्रम का ध्यान रखिएगा, हम A से शुरू कर रहे हैं, ABD कह रहे हैं, और वैसे ही C से शुरू करके CBD कह रहे हैं। इसे आप भले ही किसी और नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन जब हम सर्वांग समता की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन से चीज़ें सर्वांग सम, उसी क्रम में हम बात करें। तो पहली जो जानकारी जो मिली हुई है वो ये है कि बी पर बनने वाले दो कोण, तो पहले त्रिभुज का कोण ABD कोण ABD बराबर है दूसरे त्रिभुज के कोण CBD के, तो इसे हम लिखें कोण CBD, ये सूचना हमें दी गई थी। और एक जानकारी और भी है हमारे पास कि पहले त्रिभुज की भुजा BA दूसरे त्रिभुज की भुजा BC के बराबर है, हम इसे लिखें BA बराबर BC। अब यदि हमको इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम सिद्ध करना है तो कम से कम एक भुजा हमें और चाहिए जो दोनों त्रिभुजों में बराबर हो। आप ध्यान से देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है जो भुजा BD है वो दोनों त्रिभुजों में मौजूद है, और इस कारण हम कह सकते हैं कि BD दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, और हम लिख सकते हैं कि भुजा BD बराबर भुजा BD, एक बार पहले त्रिभुज के लिए और एक बार दूसरे त्रिभुज के लिए। इन तीन शर्तों के आधार पर आप देख रहे हैं कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर है, और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBD सर्वांग सम है। इसे हम लिख लें त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज CBD के। और यही हमको प्रमाणित करना था। तो एक बहुत आसान सा उदाहरण आपने हल किया, और आप देखेंगे कि उदाहरण तीन और उदाहरण चार दोनों एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं। सिर्फ ये आकृति आपको जो दी गई है वहाँ एक स्ट्रेट लाइन थी, सरल रेखा थी, और यहाँ पर एक चतुर्भुज की आकृति दी हुई है। तो इस तरह से आपने उसी प्रमेय का यहाँ पर उपयोग किया जिसका आपने उदाहरण तीन में किया था, और बहुत आसानी से आपने सर्वांग सम इसे सिद्ध कर लिया। तो ये आपका उदाहरण चार हल होता है।